अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीए माटोस से मोहम्मद ताहिर। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे गाड़ी की एवरी ठीक करवाने। तो आज इनसे पूछते हैं कि हमने इस गाड़ी के इंजेक्टर अल्टरेशन किए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या इंजेक्टर अल्टरेशन के बाद ये ट्राई पे गए। उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा था कि आप पहले ट्राई लें, चेक करें, चेक करने के बाद फिर इस पे वीडियो बनाएंगे। तो इन्हें चेक करने के बाद ये आज मेरे पास आए हैं। इन्होंने मुझे कंप्लेन की कि गाड़ी पहले 9 की दे रही थी, इंजेक्टर अल्टरेशन के बाद गाड़ी 7 पे आ गई है। तो मैंने जब प्लग खोले, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा आपको कि आपकी गाड़ी की एवरेज बेहतरीन है। तो हम निकल गए, पंप पे गए, मैंने शेल के पंप से पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम तकरीबन 40 के लगभग किलोमीटर चले हैं, जिसमें एसी के साथ ही तकरीबन हम गए हैं। और वापसी आके जब हमने पेट्रोल डाला है, तो हमें जो इस गाड़ी ने एवरेज दी है वो तकरीबन 24 की पर लीटर पे दी है। अब ये भाई खुद ही बताएंगे। जी भाई जान, जी, ताहिर भाई के पास मैं आया था। बेसिकली मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया था कि इनसे ये ज़रा आप चेक करा के देखें। मेरे पास गाड़ी है 2000 सिविक मॉडल। तो इसकी एवरेज जो है पहले 12 थी, फिर डाउन होते होते ये 9 तक आ गई। तो 9 तक जब आई तो मैं फिर इनके पास आया, उन्होंने चेक वगैरह किया इंजेक्टर्स वगैरह। तो वो जब चेक किए हैं, सारा कुछ किया, तो फ्यूल इंजेक्शन जो थी वो डबल अमाउंट थी उसमें। तो इन्होंने फिर उसको वो चीज़ चेंज किया, देन फिर स्कैनिंग की सारी गाड़ी की। फिर इन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन ज़रा चलाएं आपके, फिर आके मुझे फीडबैक दें और रिव्यूज़ दें। तो वो फिर मैं आया तो मैं अपनी तरफ से बेसिकली कैलकुलेट वो चीज़ किया, तो मुझे एवरेज 7 की नज़र आई उसमें। वो भी प्रॉब्लम हमने ट्रेस आउट की। वो बेसिकली प्रॉब्लम थी कि जब आप फ्यूल डलवा रहे होते हैं तो उस टाइम अक्सर पंप वाले इसमें डंडी मारते हैं, ठीक है। तो उसने एक्स्ट्रा पैसे जो हैं उस चीज़ के वो बनाए हैं पंप के। तो खैर, अलबत्त मैं यहाँ पे आया, इन्होंने दोबारा चेक किया, इन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मतलब इनके अंदाजे के मुताबिक। देन फिर हम ट्राई पे चले गए। ट्राई पे जाने से पहले हमने इसका टैंक एक बारी पहले फुल कराया, देन फिर कॉन्स्टेंटली हम तकरीबन 40-1 किलोमीटर मोबे देसी लगा के तो हम वापस आए। देन दोबारा हमने फ्यूल टैंक फुल कराया, तो वो तकरीबन जो उसमें गया पेट्रोल वो 1.6 लीटर गया। जो तो उसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 24 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज बनती। थैंक यू। आपने बड़े मशहूर पंप से पेट्रोल डलवाया था, पनसड़ की बड़ा मशहूर पिंडी में सदर के एरिया में पेट्रोल पंप है, जिसपे अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार वो पेट्रोल पंप बहुत अच्छा है। तो उसका रिजल्ट आज इनने देख लिया है कि वो कितना अच्छा है। क्योंकि बात यह है कि पंप बुरे नहीं है, पंप पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अक्सर डंडी मार जाते हैं। तो दो सर, आपका क्या कहना है कि इस मामले में? नहीं, आई एम राइट नाउ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और मैं इसको फिर चेक भी करूँगा। और मैं ताहिर भाई से, वो भी है कि कॉन्स्टेंटली हमारी इनके साथ मतलब इंगेजमेंट रहती है, ऑन फोन कॉल भी, मतलब कभी मसला आता है तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, ताहिर भाई ये हो गया, तो इस तरह वो चीज़ चल रहा है। तो उस लिहाज से भी ये गाइड काफ़ी अच्छा वो चीज़ करते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह मतलब ये सारी चीज़ें बेस्ट, अभी सो फॉर रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतरीन है, मतलब सर्विस बेहतरीन है। और नेक्स्ट ही आगे देखते हैं कि जू जू चलता है तो कोई और भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी ताहिर भाई ने सॉल्व करनी। तो तो दोस्तों, इस गाड़ी के सिर्फ हमने इंजेक्टर टेस्टिंग की है, कोई ट्यूनिंग नहीं की। इंजेक्टर टेस्टिंग करने के बाद इंजेक्टर अल्टरेशन किए और प्लग डाले, बस दो काम किए और माशाल्लाह बेहतरीन एवरेज आई है। सिर्फ अगर हमारे पाकिस्तान में ये फ्यूल पेट्रोल पंप वाले अगर पेट्रोल पूरा डालने लग जाए ना टैंक में, तो मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा लोगों के ये मसले हल हो जाए। लेकिन पेट्रोल हरगिज़ पूरा नहीं डल रहा। इस गाड़ी में भी अभी पेट्रोल पूरा नहीं डल रहा था, क्योंकि ये गाड़ी जब पहले आई थी उस टाइम प्लग काले कर रही थी। इस बार जब प्लग खोले तो हमारे भी प्लग खोलते ही मेरा जो लड़का था उसने बता दिया कि बेहतरीन एवरेज है उस्ताद, क्योंकि गाड़ी के प्लग लाल सुर्ख थे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे मुल्क पाकिस्तान के पेट्रोल पंप वालों को कि हम लोग को आवाम के लिए जो सा है, कम से कम अगर उनके मैनेजर चेक एंड बैलेंस रखें तो मेरा ख्याल है कि काम बेहतर हो जाए, गाड़ियों वाले इतने परेशान ना हो। लेकिन सर, हमारा तो एक नहीं पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जितनी कोशिश होती है हम बिल्कुल कस्टमर के साथ तआवुन करते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।